हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं, ये देखिए, बीटरूट हलवा। तो गाजर और बीटरूट का हलवा बनाने वाली हूँ। गाजर का हलवा लगभग सब भी बनाते हैं, लेकिन हम दोनों को मिला के बनाएंगे और सच्ची में बहुत अच्छा बनता है। बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। और अभी बीटरूट और गाजर दोनों ही अच्छी रेट में आ रहे हैं, तो ज़रूर बना के रखिए अपने घर में। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे बीटरूट और गाजर दोनों को कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पे पूरा क्रश कर लिया अच्छे से छिल के। मैंने ऑरेंज गाजर लिया, अभी रेड ब्लैक सभी आ रही, कोई सी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे ब्लड को बढ़ाता है, मतलब खून बढ़ता है इससे, तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, एक लोहे की कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो अभी मैंने सारा उसको डाल दिया उसमें, और अभी मैं दूध डालूंगी इसमें भरपूर, जैसे कि फुल क्रीम दूध। तो यहाँ पे बफेलो दूध या काऊ दूध या कोई भी आप दूध कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काऊ मिल्क लिया है, और पूरा क्रीम, मतलब पूरा मलाई के साथ में ही डाला है इसको, उसी से बहुत अच्छा बन जाएगा। इसमें ऊपर से खोया ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस फुल क्रीम दूध ज़रूर डाल दीजिएगा इसमें। तो अभी देखिए, हमारा एकदम उसको थोड़ा हिलाते रहना है हमें, क्योंकि क्या है, ये नीचे लग जाएगा और दूध भी हमारा लगभग सूख रहा है, तो हमें अच्छे से इसको हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। और आप कोई भी काम करते हुए ये फ्रेंड्स ये हलवा बना सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, पूरा दोनों एकदम मिक्स हो चुके हैं इसमें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी नए फ्रेंड्स हैं, और वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी तो यहाँ पे देखिए, इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुका है, दूध लगभग मेरा पूरा सोख गया है, ये देखिए। और पूरा आप हिलाते रहिए, नहीं तो नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं घी ऐड कर देती हूँ इसमें। मैंने 3-4 चम्मच घी मतलब डाला है इसमें, आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपका दूध अच्छा हो तो घी की क्वांटिटी कम ही चलेगी, और अगर दूध आपका फुल क्रीम नहीं है तो आप घी इसमें ज़्यादा ऐड कीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो लगभग मेरा पूरा अच्छे से हो गया है, तो मैं अभी शुगर ऐड कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी भर के शुगर डाला है, मतलब चीनी डाली है। तो फ्रेंड्स, इसको लगभग ऐसे ही 5 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो वापस ये लूज हो जाता है। तो अभी थोड़ा इसको हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए, एकदम बढ़िया से हो गया है। तो अभी मैंने थोड़े से बादाम है उनको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, क्रस्सा कर लिया है, और उनको मैंने डाल दिया है। इसकी जगह आप खोया, काजू, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। किशमिश में इसमें